हाय एवरीवन, आई एम इज़हान शबीर, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। तो यार आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th के जूलॉजी से, एंड वी विल स्टार्ट विद द यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है। तो आज फर्स्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बिफोर ड्वेलिंग इन टू द चैप्टर, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सीरीज। इस सीरीज में बस मेनली हम एनसीईआरटी ही कवर करेंगे, उसके सिवा कोई भी हम एडिशनल मॉड्यूल्स का पॉइंट या हाई लेवल स्टफ इंक्लूड नहीं करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी योर एनसीईआरटी रिवीजन, और इवन अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो उस हिसाब से हम इसमें डील कर रहे होंगे वीडियोज में। एनसीईआरटी में जो भी चीज़ लिखी हुई है हर एक डिटेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी पॉइंट्स जहाँ पर स्टूडेंट्स ओवरलुक कर जाते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर हम ध्यान देंगे, हर एक डिटेल एनसीईआरटी की समझेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द मोटिव ऑफ दिस सीरीज। विदाउट एनी फर्दर आई डू, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इसका देखो बेसिक ओवरव्यू में दे देता हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर देते हैं। डाइजेशन का मतलब क्या है? जो भी चीज़ आप खा रहे हो, वट एवर यू आर टेकिंग इन, वट एवर यू आर कंज्यूमिंग, उस सब को तोड़ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ताकि बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके, वही है डाइजेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम वट यू इंजेस्ट टू वट यू एक्सक्रीट, उस सारी प्रोसेस में जो कुछ भी होता है वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, एंड एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड पार्टिकल आपने तोड़ा छोटे पार्टिकल्स में, जो बॉडी ने सॉल्यूबल बनाया, फिर उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है ताकि बॉडी यूटिलाइज कर सके। तो इस तरीके से ये चैप्टर डील करेगा। स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो पहली हेडिंग है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम 16.1। उसके अंदर फर्दर दो हेडिंग्स है, 16.1.1 एंड 0.2। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पहले तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओरल कैविटी अप टू द एनस, तो उस सारे को हम बोलते हैं एलिमेंटरी कैनाल। एक हेडिंग के अंदर हम पूरी एलिमेंटरी कैनाल पढ़ेंगे, एंड इसके साथ साथ पूरी की पूरी एलिमेंटरी कैनाल के साथ मिलकर काम करते हैं ग्लैंड्स, जैसे आपका पैनक्रियाज हो गया, वहाँ से सिक्रीशंस आएंगी, गॉल ब्लैडर की कुछ सिक्रीशंस होंगी, सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे। तो उनका एक अलग हेडिंग बना के एनसीईआरटी में दिया गया है एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो इन हेडिंग्स के अंदर पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। हमारी बॉडी के अंदर एक तो मेन ट्यूब है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ आपका ईसोफेगस हो गया, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके पार्ट्स, एंड उसके साथ साथ ग्लैंड्स। ओरल कैविटी के अराउंड आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हो जाएंगे, ईसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होगा। स्टमक के अंदर पैराइटल सेल्स है, चीफ सेल्स है, उनके अलग अलग सिक्रीशंस होंगे, किन का क्या रोल है वो हम देखेंगे। फिर उसके आगे डियोडिनम, जेजिनम, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन से ग्लैंड्स है भी या नहीं है और उनका क्या फंक्शन है वो देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगले जो फर्दर सीरीज होगी, फर्दर उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ कैसे डाइजेशन होती है। जैसे जो भी आप फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की कैसे डाइजेशन होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन एंजाइम्स होते हैं, किस पीएच पर होती है, एंड सिमिलरली विद प्रोटीन्स एंड फैट्स, एंड लास्ट में हम डील करेंगे एब्जॉर्प्शन के साथ, एंड फाइनली कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये होने वाला है ओवरव्यू। सो क्योंकि मेन एनसीईआरटी फोकस सीरीज होने वाली है, तो वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन इन द एनसीईआरटी। क्या कह रहे हैं? फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ ठीक है, सबको फूड चाहिए ही जिंदा रहने के लिए। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड जो मैंने अभी आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है, ये तीन चीज़ें मेन होती है, मेजर कंपोनेंट। माइनर में आपके विटामिन्स, मिनरल्स आ जाएंगे। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटीज। तो ये बता दिया इसने मेजर क्या है और माइनर क्या है। मेजर तीन चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और माइनर में आपके क्या क्या आ गए, विटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए, ठीक है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटीरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। अब आपकी बॉडी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही होती है, चाहे आप हाइट वाइज बात करो, चाहे आप अपना वेट की बात करो, या इंडिविजुअल बॉडी के टिश्यूज़ तो ग्रो कर ही रहे होते हैं, वेदर इट बी एक्सटर्नली और इंटरनली। एंड कहीं पर कोई चोट आ जाती है, कहीं पर कोई अंदर बॉडी में डीजेनरेशन होती है, तो वहाँ पर रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उस रिपेयर के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमें कौन देता है? फूड देता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अल्टीमेटली अब्जॉर्ब करके एटीपी तो बनते हैं इस फूड से। अब अगर अपने अंदर जो भी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, इंटेस्टाइन में अंदर जो एपिथीलियम होता है वो डिग्रेड हो जाता है, स्टमक के अंदर एसिड होता है, एचसीएल होता है, तो बहुत हाईली एसिडिक पीएच के अंदर जो भी एपिथीलियम होता है
वो डीजेनरेट होता है, नया एपिथीलियम बनता है, तो ये जो रिपेयरिंग प्रोसेस है इसके अंदर जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी सप्लाइड फ्रॉम द फूड वी इनटेक, ठीक है। द वाटर विच वी टेक इन इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। पानी का क्या रोल है, एक तो बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है और दूसरा जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है बॉडी में, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, उन सब में वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही तो वो मीडियम है जिसके अंदर रिएक्शंस हो रही होंगी। सेल के अंदर वाटर होगा, उसी में एंजाइम्स पड़े हुए होंगे, उसी में सबस्ट्रेट आपका होगा और उसी में केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो ये वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। अब क्या कह रहा है कि फूड के अंदर जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, जो कि मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे और फैट्स होंगे, बॉडी इनको एज सच यूटिलाइज नहीं कर सकती है, इनको तोड़ना पड़ता है और उसी तोड़ने की प्रोसेस का नाम डाइजेशन है। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस जो कि एब्जॉर्ब किए जा सके इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यही जो प्रोसेस है, किस चीज़ की प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की। कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, ये इनएब्जॉर्बेबल है, कॉम्प्लेक्स फूड ये हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, बॉडी ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो इसी को जब हम एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो कि एब्जॉर्ब हो सकती है, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। कौन करता है हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या बस केमिकल प्रोसेस ही है कि एंजाइम्स ही बस एक्ट करेंगे, भले यू नो कि एंजाइम्स एक्ट करेंगे तो वी कैन से इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, बट मैकेनिकल प्रोसेस इज ऑल्सो इन्वॉल्व। आप आगे पढ़ेंगे कि पेरिस्टाइलसिस होती है बॉडी में, जब आपने फूड खाया तो ईसोफेगस से स्टोमक तक उसको कैसे लिया जाता है, ईसोफेगस में कंट्रैक्शंस होती है, रिदमिक कंट्रैक्शन जो कि फूड को नीचे पुश करती है, उसको पेरिस्टाइलसिस कहते हैं। तो ये जो कंट्रैक्शंस हो रही है ये मैकेनिकल प्रोसेस है, तो डाइजेशन मैकेनिकल प्रोसेस भी है और केमिकल प्रोसेस भी है, दिस यू हैव टू रिमेंबर बाई मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स, ठीक है। मैकेनिकल मेथड हो गए, बायोकेमिकल मेथड्स हो गए। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। चलो देखते हैं फिगर, ये है फिगर 16.1। इसमें जनरल ऑर्गेनाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की दी हुई है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ ओरल कैविटी एंड एक्सटेंडिंग अप टू द एनस। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है। चलो देखते हैं क्या क्या डिटेल हम समझ सकते हैं। देखो इधर आ जाओ, जो आप फूड लेते हो तो यू पुट इट इन योर ओरल कैविटी, ठीक है। मुंह में हम क्या करते हैं, फूड को चबाते हैं ताकि हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकें। अब वहाँ पर इसको सलाइवा मिक्स हो जाती है, सलाइवरी सिक्रीशन इसमें मिक्स होती है, मिक्स हो जाती है। यहाँ से देखो ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये उसका डक्ट है और पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशन ओरल कैविटी में आ रही है। कैसे याद रखेंगे पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन, देखो ओटिड मीन्स रिलेटेड टू एयर, ठीक है, पैरा मीन्स नियर, तो पैरा का मतलब नियर और ओटिड मीन्स ईयर। तो जो कान के पास में जो ग्लैंड है वो कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड है। लेबलिंग से आप याद कर सकते हो, ये लेबलिंग पूछी जा सकती है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड का समझ आ गया कि इसकी सिक्रीशन ओरल कैविटी में आएगी, ठीक है। वहीं पे देखो और भी नीचे ग्लैंड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या है, ये टंग है, टंग मीन्स, टंग का हम यूज़ करते हैं इसके लिए वर्ड लिंगवल, तो इसके नीचे कोई भी होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सबलिंगवल। तो ये सबलिंगवल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसको हम सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड भी बोलते हैं, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। भले ही इसमें एक ही ये फिगर में एक चीज़ दिखा के दो लेबलिंग्स बताई है, बट इन दोनों की सेपरेट लोकेशन होती है। फिलहाल आपको एनसीईआरटी ध्यान में रखनी है कि ये जो लेबलिंग आएगी इसके करस्पॉन्डिंग हमें कैसे याद रखना है, ये टंग के नीचे है, तो सब लिंगवल एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, ठीक है। इतना हो गया, बाकी माउथ यू नो, और अंदर क्या है, ओरल कैविटी, ठीक है। इनकी बात हमने कर ली, सलाइवरी ग्लैंड्स की, पैरोटिड ग्लैंड की बात कर ली। अब जैसे ही आप खाना निगलोगे वो पहले किस पोर्शन में जाएगा, दैट विल गो इनटू फेरिंक्स। अब फेरिंक्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर जिस पार्ट की बात हो रही है स्पेसिफिकली दैट इज़ ओरो फेरिंक्स। ओरो बोले तो ओरल, ये ओरल कैविटी से भी रिलेटेड है और फेरिंक्स का ही पार्ट है, तो ओरो फेरिंक्स। इसके ऊपर क्या होगा, नेजो फेरिंक्स, नेजो मीन्स रिलेटेड टू नोज, तो जो फेरिंक्स का पार्ट नोज से रिलेटेड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज नेजो फेरिंक्स। और उसके नीचे क्या होगा, नेजो के ओरो फेरिंक्स।
फिर फर्दर नीचे जाओगे आप तो लैरिंगो फेरिंग्स, इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू लैरिंग्स, लैरिंग्स बोले तो वॉइस बॉक्स, ठीक है। खैर इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, जस्ट लेबलिंग्स को देखते हैं, ओके ठीक है। खाना आपने खाया, माउथ अंदर ओरल कैविटी, वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस आ गई, वो देख ली, फिर खाना फेरिंग्स में चला गया। अब वहाँ से ये जाएगा ट्यूब के थ्रू स्टमक में, तो ये ट्यूब जो ओरल कैविटी को स्टमक के साथ कनेक्ट करता है, इसको कहते हैं ईसोफेगस, ठीक है। अब इस ट्यूब के आगे देखो आप, एक फर्दर एक ट्यूब बना के छोड़ दिया है। व्हाट इज दिस? दिस इज़ योर विंड पाइप और ट्रेकिया। आप ऐसे अपनी नेक में ये फील भी कर सकते हो, जस्ट मिड लाइन में ऐसे फील करते जाओ तो आपको कुछ रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स फील होंगे। दिस इज़ योर विंड पाइप। तो ईसोफेगस कहाँ है? ईसोफेगस इसके पीछे है, वो आप फील नहीं कर सकते हो ऐसे बाहर से, बाहर से आपको ट्रेकिया फील होगा और ट्रेकिया के पीछे ईसोफेगस है। वही यहाँ पे अगर मैं गर्दन ऐसे कर लूँ तो सामने ट्रेकिया होगा, उसके पीछे ईसोफेगस होगा, वही आपकी इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ट्रेकिया को बस यहीं पे छोड़ दिया है, आगे लंग्स तक कनेक्शन नहीं दिखाया है। क्यों? क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम से डील कर रहे हैं, लंग्स वाली कहानी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को अगर ये डाउट होगा तो इसको लिख लो, दिस इज योर ट्रेकिया, ओके। अब ईसोफेगस भी हो गया, ईसोफेगस से नीचे हम किधर पहुँच गए? स्टमक में पहुँच गए, ठीक है। अब देखो ये जो स्टमक है, इट इज एन एब्डोमिनल ऑर्गन, और जो आपके लंग्स वगैरह थे इधर पे, दे आर थोरेसिक ऑर्गन्स। तो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से कौन सेपरेट करता है? दैट इज डायाफ्राम। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा जिसे डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम के ऊपर का रीजन थोरेसिक कैविटी, उसके नीचे का रीजन एब्डोमिनल कैविटी। तो जो भी आपके स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, वो सारी एब्डोमिनल कैविटीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। अब स्टमक में खाना आ गया, जितनी भी देर रहेगा जो भी चीज़ें उसके साथ होंगी, अल्टीमेटली इट विल पास इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, अप टू दिस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहले क्या आता है? डियोडनम, देन जेजुनम एंड इलियम। स्पेलिंग ध्यान रखना, क्योंकि एक और स्पेलिंग होती है ILIUM, ये क्या है? इट इज़ बोन, पेल्विक बोन का ये पार्ट है, पेल्विक बोन का पार्ट इलियम है, उसमें आई आता है, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम इलियम पढ़ते हैं उसमें ई आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑप्शंस में आपको दोनों स्पेलिंग्स मिल सकती है, सो बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। चलो देखते हैं लेबलिंग्स। स्टोमक से आप स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में आ गए, विच इज़ लाइक सी शेप्ड और जे शेप्ड। ध्यान से देखो, ये सी शेप में दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं डियोडिनम, ठीक है। फिर आगे हम जाएंगे, फर्दर जो कॉइलिंग्स होंगी उनको हम कहेंगे जेजुनम, और जो टर्मिनल कॉइलिंग्स होंगी स्मॉल इंटेस्टाइन की, बोले तो ये रीजन, इट विल बी कॉल्ड एज इलियम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बारी है। लार्ज इंटेस्टाइन इधर से स्टार्ट हो रहा है पूरा का पूरा, एंड फाइनली टर्मिनेटिंग इनटू एनस। इसके भी पार्ट्स होंगे लार्ज इंटेस्टाइन के। क्या पार्ट्स है लार्ज इंटेस्टाइन के? यू स्टार्ट फ्रॉम सेकम। चलो डायग्राम में ही देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई। अब वो पहला चैम्बर जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ नोन एज सेकम, ठीक है। इसी सेकम से एक पतला सा स्ट्रक्चर आपको लटकता हुआ दिखिएगा, प्रोट्रूडिंग आउट, दिस इज़ नोन एज अपेंडिक्स, जिसे कुछ लोग वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। ये ओब्लिटरेटेड स्ट्रक्चर देखो, वर्मीफॉर्म मीन्स लाइक ए वर्म, वर्म लाइक अपीयरेंस के बेसिस पे इसको बोला गया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इतना क्लियर है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोल नहीं है, इसलिए कुछ लोग इसको वेस्टिजियल ऑर्गन में भी काउंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सेकम, ठीक है। देन आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसमें जो भी मैटर होगा वो इधर से ऊपर की तरफ जाएगा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज असेंडिंग कोलन। बेसिकली फर्स्ट पार्ट कोलन रहेगा, फिर उसी में बहुत सारे हिस्से रहेंगे, तो जो पहला हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज असेंडिंग कोलन।
देन नेक्स्ट पार्ट ट्रांसवर्स है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स कोलोन। नेक्स्ट पार्ट इट इज़ डिसेंडिंग, तो इसका क्या नाम होगा, डिसेंडिंग कोलोन। अगला पार्ट देखो, इट्स लाइक रफली एस शेप लाइक दिस शेप एंड इसको हम सिगमोइड शेप कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप एक कर्व पड़ोगे, उसकी ऐसी शेप होगी, दैट विल बी नोन एज सिगमोइड कर्व। इधर इस शेप को बोलेंगे सिगमोइड शेप, और कोलोन का पार्ट है तो दिस विल बी कॉल्ड एज सिगमोइड कोलोन। अल्टीमेटली दिस विल लीड टू रेक्टम, जहाँ पर फीसेस टेम्परेरीली स्टोर होती है, एंड फाइनली इट विल लीड टू एनस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इस फिगर की सारी लेबलिंग्स क्लियर हो गई, किसका रफली क्या रोल है वो मैंने रफली बता दिया, आगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे।